उसी देयूर में लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमहा प्रजाः। हरे कृष्ण। आज हम तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक पर चर्चा आगे करेंगे हम, और ये श्लोक है जो तीन श्लोक थे जैसे मैंने परसों ही बताया था। तीन श्लोकों में भगवान अब अपने बारे में एग्जाम्पल देते हुए बता रहे हैं कि अगर मैं भी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ नहीं करता तो लोग पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। और इस श्लोक में भी भगवान अब बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन उसी देयूर इमे लोका, उसी देयूर का अर्थ होता है विनष्ट हो जाएंगे, इमे इस लोका, लोका अर्थात इस लोक में, संसार में, इस भौतिक जगत में सब लोग विनष्ट हो जाएंगे। न कुर्याम कर्म चेदहम, यदि मैं उनको कर्म करता हुआ नहीं नजर आऊंगा तो वो सब विनष्ट हो जाएंगे। संकरस्य च कर्ता स्याम, और उससे फिर मैं कारण बनूंगा वर्ण संकर का। संकरस्य, संकरस्य का अर्थ है वर्ण संकर। वर्ण संकर मतलब वर्ण संकर अर्थात अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं मतलब ब्राह्मण के घर में शूद्र पैदा हो जाएगा, शूद्र के घर में क्षत्रिय पैदा हो जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा, उसको वर्ण संकर कहते हैं, जो आजकल भी चल रहा है। संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमाह प्रजाहा, अर्थात उपहन्याम मतलब मैं कारण बनूंगा विनष्ट होने के जीवात्मा को। श्री प्रभुपाद क्या देख रहे हैं, मैं यदि मैं नियत कर्म ना करूं, भगवान कह रहे हैं मैं अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज अगर नहीं करता अर्जुन तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं वांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण बनूंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। ये भगवान कृष्ण अब कह रहे हैं, अल्टीमेटली भगवान कृष्ण अब अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन यदि तुम और मैं अगर हम अपना स्वधर्म पालन नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, तो उससे लोग फ्यूचर में हमारा ही रेफरेंस देकर कि देखो भगवान कृष्ण ने अपना स्वधर्म पालन नहीं किया था, फॉर एग्जाम्पल। क्योंकि आप यहाँ तो अभी भगवान कृष्ण अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन मैं भी अपना स्वधर्म पालन करता हूँ, मैं भी अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ करता हूँ जब भी इस संसार में आता हूँ, क्योंकि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिः भवति भारत, अब इत्थं नाम धर्म से तदात्मानं सृजामि, भगवान आते ही धर्म की स्थापना करने के लिए, बाह्य तौर पे वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करने तो आते हैं, और वैसे भगवान भक्ति धर्म की स्थापना करने आते हैं, प्रेम धर्म की, जो कि भगवान से प्रेम कैसे करना है, लेकिन एक्सटर्नली भगवान वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करने आते हैं। तो इसलिए भगवान भी वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं भी फॉलो करता हूँ, अगर नहीं करूँ तो लोग विनष्ट हो जाएँ, लोग भी अपने मन से करने लग पड़े। इसलिए जिस तरह से जनक महाराज ने अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ फॉलो की, हालांकि उनको ज़रूरत नहीं थी अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ फॉलो करने की क्योंकि वो तो मुक्त जीव हैं, लेकिन फिर भी वो लोक कल्याण के लिए अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ करते हैं। और जिस तरह से जनक महाराज ने की उसी तरह से मैं भी करता हूँ, और इसलिए उसी तरह से अर्जुन तुम्हें भी करनी है, तुम करके दिखाओ प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ अपनी, स्वधर्म जो तुम्हारा क्षत्रिय के नाते तुम्हारा युद्ध करना धर्म बनता है अभी, और मेरी इच्छा भी है, अभी धर्म भी है और सेवा भी है, तो तुम उसको करके दिखाओ, उसमें तुम पीछे मत हटो किसी भी हाल में। क्योंकि तुम तो अभी सोच रहे हो कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो वर्ण संकट नहीं होगा, है ना, मैं चले जाऊंगा जंगल, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम युद्ध कि तुम अगर युद्ध करोगे तो वर्ण संकर हो जाएगा, अर्जुन का ये कहना था, अगर मैं युद्ध करूंगा तो वर्ण संकर हो जाएगा, भगवान कह रहे हैं अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो वर्ण संकर हो जाएगा, इसलिए तुम युद्ध करो, क्योंकि अभी तो तुम सोच रहे हो कि मैं करूंगा तो उससे वर्ण संकर हो जाएगा क्योंकि इतने सारी औरतें विधवा हो जाएंगी, लेकिन ये तुम्हारी अर्जुन संकीर्ण दृष्टि है, बहुत छोटी सोच है। अगर तुम अपना स्वधर्म पालन नहीं करोगे तो फ्यूचर में जब पॉपुलेशन, अभी तो चलो पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, 18 अक्षौणी सेना इधर है, कुछ 11 अक्षौणी सेना कुछ समथिंग इधर है पांडवों की तरफ, अभी तो चलो पॉपुलेशन खत्म हो गई, लेकिन फ्यूचर में जब दोबारा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोग तुम्हारा ही रेफरेंस देकर कहेंगे कि देखो अर्जुन ने स्वधर्म पालन नहीं किया था तो हम भी नहीं करते, तब जो राजा होंगे वो भी यही कहेंगे और फिर प्रॉब्लम होगी। तो पॉइंट ये है कि जो लॉ है, लॉ खत्म नहीं होना चाहिए,
स्ट्रक्चर चाहे ख़त्म हो जाए। मतलब कहने का अर्थ ये है कि कोई पूछ सकता है कि ठीक है भगवान ने फॉलो कर लिया, जनक महाराज ने फॉलो कर लिया, अर्जुन ने फॉलो कर लिया, तब भी कहाँ है आज वर्णाश्रम? वर्णाश्रम फिर भी ख़त्म हो गया, चाहे सबने अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी सही से फॉलो कर ली तब भी, तो अभी भी तो ख़त्म हो ही गया। लेकिन पॉइंट ये है उसमें कि ख़त्म तो हो गया लेकिन स्ट्रक्चर ख़त्म हुआ है वर्णाश्रम का। वर्णाश्रम नहीं आज, ठीक है मानते हैं स्ट्रक्चर ख़त्म हुआ है, बट प्रिंसिपल ख़त्म नहीं हुआ कि प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य को वर्णाश्रम के अंतर्गत अपना स्वधर्म पालन करना चाहिए ही चाहिए। ये सिद्धांत ख़त्म नहीं हुआ, इसीलिए तो आज अर्जुन, जनक महाराज, भगवान कृष्ण इन सबको देखकर श्री प्रभुपाद ने हम सबको भी कहा कि वर्णाश्रम हमें करना है, इसलिए तो हमें उत्साह आता है। नहीं तो हम भी कहते अर्जुन ने कौन सा किया था, हम भी नहीं करते। नहीं, वर्णाश्रम के बिना मनुष्य सुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि वर्णाश्रम क्या है? वर्णाश्रम एक, एक्चुअली कोई कह सकता है कि वर्णाश्रम करना ज़रूरी क्यों है, और वर्णाश्रम आएगा कैसे, कोई ये भी पूछ सकता है। यार वो तो सतयुग, त्रेता और द्वापर युग की बातें थी, अभी कलयुग में कैसे होगा वर्णाश्रम? आप कलयुग में सतयुग लाना चाह रहे हो, डिवोटीज पूछते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि कलयुग में सतयुग आ सकता है, वर्णाश्रम आ सकता है, ऐसा नहीं है। तो प्रभुपाद ने भी की इच्छा भी है, हमारे आचार्यों की इच्छा भी है। और पॉइंट ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मोबाइल है, तो कलयुग ने इस एंड्रॉयड के थ्रू अपना साम्राज्य फैलाया, और अब हम भी उस एंड्रॉयड के थ्रू ही उसके साम्राज्य को काट रहे हैं प्रचार करके। हम भी तो एंड्रॉयड ही यूज़ कर रहे हैं और लोगों को एंड्रॉयड पे वीडियोस देखने को मिल रही हैं और प्रचार हो रहा है। तो हम, कली ने जो अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा 4G 3G और इंटरनेट, हम भी उस इंटरनेट को ही यूज़ करके कली को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरह से कली ने ये वर्णाश्रम ख़त्म किया, अब हम उसी कली को यूज़ करके वर्णाश्रम लाएंगे, लोगों को समझाएंगे देखो कली ने कहा था वर्णाश्रम बेकार है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हाँ वर्णाश्रम ठीक है, वर्णाश्रम छोड़ो, हम एक साइंटिफिक सिस्टम, सोशल डिवीजन का एक साइंटिफिक सिस्टम लाएंगे, सब अपनी अपनी ड्यूटीज़ करेंगे बहुत सिस्टमेटिकली, बस इस तरह से। तो हम कली को ही यूज़ करके बहुत सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली लोगों को चीज़ें समझाएंगे और लोगों को अच्छा लगेगा फिर। तो हम कली का ही सहारा लेंगे, जिस तरह से कली ने मोबाइल लाया और मोबाइल का सहारा लेकर हम प्रचार कर रहे हैं, उसी तरह से हम कली का ही सहारा लेकर हम लोगों को बताएंगे कि हाँ ठीक है वर्णाश्रम छोड़ो, एक साइंटिफिक सोशल डिविजन्स हम शुरू करेंगे जिससे लोग आराम से रहें। तो पॉइंट ये है, तो पॉसिबल है, श्री प्रभुपाद की डिज़ायर थी और भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने संन्यास भी इसीलिए लिया था वर्णाश्रम स्थापित करने के लिए, और पॉसिबल है। अगर पॉसिबल नहीं होता तो भगवान कहती क्यों गीता में चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, वो इसीलिए तो भगवान ने कहा है, और ये कलयुग की शुरुआत ही तो थी गीता। तो चीज़ें पॉसिबल है, ऐसा नहीं है पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र जो थे वो सत्यवादी थे, हमेशा सत्य बोलते थे। तो कोई कह सकता है आज कौन बचा है सत्यवादी, क्या कर लिया भाई उन्होंने इतना बड़ा सत्य बोल के, कुछ हुआ क्या? आज तो सत्य कोई नहीं बोलता। लेकिन पॉइंट ये है कि हरिश्चंद्र जो थे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उनको फॉलो करने वाले लोग ख़त्म हो गए आज, लेकिन वो उनका जो उनकी जो उनका जो उन लेकिन वो ख़त्म नहीं हुए, या दूसरे शब्दों में लोग ख़त्म हो गए हैं, बट जो वो सिद्धांत जो स्थापित करके गए कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, वो ख़त्म नहीं हुआ। इसलिए लोग आज भी सत्य बोलते वक्त अपनी खुश होते हैं, उनको अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा का धर्म ही है एक सत्य। तो पॉइंट ये है कि स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है, जैसे वर्णाश्रम का स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया लेकिन लॉ ख़त्म नहीं हुआ, तो दोबारा से वो आ जाएगा। उसी तरह से हरिश्चंद्र ने स्थापित किया कि प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना चाहिए, तो लोग ख़त्म हो गए फॉलो करने वाले, लेकिन जैसे कलयुग के बाद सतयुग शुरू होगा, दोबारा से हरिश्चंद्र जैसे लोग सारे हरिश्चंद्र आ जाएंगे। लेकिन अगर हरिश्चंद्र कभी झूठ बोल देते तो फिर दोबारा से सतयुग शुरू होना ही मुश्किल हो जाता, लोग कहते हैं अरे हरिश्चंद्र ने झूठ बोला था, हम भी क्या करें, गड़बड़ हो जाती ना, सब क्योस हो जाता। इसलिए ये चीज़ें हमें ध्यान से समझनी चाहिए, समझनी ज़रूरी है। पॉइंट ये है कि कॉज जो होता है, जो कारण होता है, वो ही सॉल्यूशन भी होता है।
जैसे फॉर एग्जांपल किसी का अगर पेट खराब हो जाए तो पेट खराब होने का एक कारण होता है दूध, सॉल्यूशन भी दूध ही है मट्ठे के रूप में। तो उसी तरह से कली ही वर्णाश्रम को खत्म करने का कारण है और कली को ही यूज़ करके वर्णाश्रम शुरू होगा। या दूसरे शब्दों में जैसे कली ने एंड्रॉयड फ़ोन दिया और एंड्रॉयड को ही यूज़ करके हम कली को ख़त्म करेंगे, तो ये भी सिद्धांत होता है। हाँ, अब एक पॉइंट आता है यहाँ पे कि ठीक है, भगवान कह रहे हैं कि मैंने ये किया, क्या किया, वर्णाश्रम धर्म फॉलो किया, मैं भी वर्णाश्रम के अंतर्गत अपनी स्वधर्म अपनी ड्यूटीज़ फॉलो करता हूँ, लेकिन देन व्हाट अबाउट रासलीला? रासलीला भगवान क्यों कर रहे हैं फिर? उसमें तो स्वधर्म खत्म हो गया, उसमें तो सारे वेद शास्त्रों का उल्लंघन कर दिया। इसीलिए श्री प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में श्रीमद् भागवतम से श्लोक कोट कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 33वें अध्याय का 30वां और 31वां श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं श्लोक श्री प्रभुपाद? ये बताने के लिए कि भगवान और महान लोग जो कर रहे हैं और कह भी रहे हैं वो करना चाहिए। मतलब भगवान स्वधर्म खुद भी फॉलो कर रहे हैं और कह भी रहे हैं करने को, तो वो करना चाहिए। और महान लोग और भगवान जो कर रहे हैं और कह नहीं रहे करने को, वो कदापि नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल भगवान कृष्ण रासलीला कर रहे हैं लेकिन कह थोड़ी ना रहे कि तुम भी करो मेरी तरह। शिव जी समुद्र से जहर पी रहे हैं लेकिन कह थोड़ी ना रहे हैं कि भैया तुम भी पियो। हमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। अगर आप कहोगे नहीं हम भी करेंगे, हम भी रासलीला करेंगे, हम भी जहर पिएंगे, तो ठीक है फिर गोवर्धन पर्वत भी उठाओ। पॉइंट ये है तो भैया अगर हम गोवर्धन पर्वत नहीं उठा सकते तो फिर हम रासलीला भी नहीं कर सकते और जहर भी नहीं पी सकते, तो फिर हमें कुछ नहीं कर सकते जब तक भगवान और आचार्य जब तक हमें करने के लिए कहें ना। तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी महान लोगों और भगवान की, हमें इमिटेट नहीं करना, अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना है, सिद्धांत ये। तो इस तरह से इस श्लोक को समझा जा सकता है। अब आप इसका तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ आएंगी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की।